हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज वंडरफुल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, जो कि बहुत ही इजी है बनाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 कप व्हीट फ्लावर आटा, और उसमें मैं 2 चम्मच के करीब दही ऐड कर रही हूँ कर्ड, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी विद द हेल्प ऑफ वाटर। मेरे पास ये एक ऐसा विस्कर है, हैंड विस्कर। अगर आपके पास ऐसा विस्कर हो तो इससे ही कीजिएगा, ताकि मिक्स करने में बहुत आसानी हो। तो ये बैटर को बनाने के लिए मुझे करीब 1 से 1.5 कप पानी लगा है, इस कप के बराबर। और इस बैटर को हम लोग को अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि इसमें कोई लम्स या फिर गुठलियाँ ना हो। और इसकी कंसिस्टेंसी लास्ट में कुछ इस तरह होना चाहिए, ना ही कुछ ज़्यादा गाढ़ा और ना ही पतला। अब मैं इसको 15 मिनट्स के लिए रेस्टिंग दूंगी, ताकि हमने जो इसमें कर्ड मिलाया है यानी कि दही, वो अच्छी तरह से आटे के साथ मिक्सअप हो जाए, और बनाते वक्त रोटी फ्लफी और स्मूथ बने। आफ्टर 15 मिनट्स मैं इसको खोल रही हूँ, तो देखिए ये आटा बहुत ही अच्छी तरह से फ्लफी हो गया है, एंड ये बहुत ही क्रीमी इन टेक्सचर दिख रहा है। तो अब मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी, क्योंकि मैं एक स्टफ्स मसाला वर्जन में बनाऊंगी, जिसमें मैं ऑनियन चिलीज एंड मसाला ये सब ऐड करूंगी। तो मेरी बेटी, स्पेशली मेरी बेटी नहीं खाती है ये ऑनियन वगैरह, तो इसीलिए मैंने सोचा है व्हाई शुड बी एडल्ट्स ओनली इन्जॉय दिस ब्रेकफास्ट। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग द स्वीट वन ऑल्सो, सो दैट्स वाई आई हैव डिसाइडेड टू मेक दैट वन ऑल्सो। सो फॉर दैट आई हैव एडेड 2.5 स्पून ऑफ शुगर एंड 2 स्पून ऑफ कोको पाउडर। मेरी बेटी को बहुत ही ज़्यादा चॉकलेट का फ्लेवर पसंद है, तो इसलिए मैं ज़्यादा मतलब ऐड कर रही हूँ। इफ़ यू डोंट नीड टू बी एडेड, देन यू कैन स्किप दिस स्टेप। नाउ आई विल मिक्स दिस अप वेरी नाइसली। See, our batter is ready now. It looks so yummy, like a chocolate batter. Now I will come to the next batter. तो इसको बनाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक मिलाऊंगी एज़ पर योर टेस्ट,
एंड इसमें थोड़े से एक ग्रीन चिली डालूंगी चॉप किए हुए, और ऑनियन डालूंगी, ये मीडियम साइज़ का एक ऑनियन है जिसको मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, और अब मैं इसमें मिलाऊंगी और अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी ताकि कोई भी गुठलियाँ ना हो। और ड्राई स्पाइसेस में डालूंगी मैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर। तो अभी हम लोग इसको भी रेस्ट करने देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए गेहूं के आटे के साथ। तो फर्स्ट में मैं बनाऊंगी वो मीठा वाला बैटर। इसके लिए मैंने गैस में एक पैन रख दिया है, उसमें मैं थोड़ा सा तेल डालूंगी। आप चाहे तो ज़्यादा भी तेल डालकर या फिर घी बटर के साथ बना सकते हो। मैं इसमें कम से कम ज़्यादा मतलब कम से कम तेल रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा हेल्दी वर्जन में आए। तो अभी मैं मीठे वाले से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने इसमें 2.5 लैडल के समथिंग इसमें बैटर डाली हूँ, और इसको डोसे के जैसा शेप दूंगी, गोल वाला पतला वाला। और तो देखिए, जब हम इसको फ्लैट करेंगे तो इसका मतलब टेक्सचर कुछ मतलब गीला गीला सा होगा। जब ये साइड से जब ये डार्क हो जाएगा, मतलब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा ड्राई वन, तब इट इज़ नाउ रेडी टू फ्लिप। अब हम इसको फ्लिप करेंगे, अच्छी तरह से ये फ्लिप हो जाता है। सी, जस्ट बिकॉज वी आर मेकिंग दिस स्टफ्स विथ वीट फ्लावर, सो इट विल टेक लिटिल मोर टाइम टू कुक और टू बी डन। सो इट विल टेक 4 to 5 minutes टू बी रेडी। तो देखिए, मैंने इसको ढक के बनाया है, तो अब ये रेडी हो गया है। जब ऐसे डार्क ब्राउन स्पॉट्स आ जाएगा रोटी में, तब आप समझिएगा कि ये अभी रेडी है। तो फिर से मैं एक बना रही हूँ। Thank you.
तो देखिए हम लोग का यम्मी सा ब्रेकफास्ट बनके रेडी हो गया है। तो मेरा जो चॉकलेटी वाला बैटर था उसमें से 3 बना है और जो मेरा सॉल्टी सा बैटर था उसमें से 2 बना हुआ है। तो ये आप किसी भी चटनी के साथ ले सकते हो या फिर केचप के साथ ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है आप उसके साथ ले सकते हो। तो देखिए ये कितना यम्मी सा दिख रहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ही कम तेल में बना है, तो ऑब्वियसली ये हेल्दी वर्जन में आता है। तो इंजॉय कीजिए ये और अपने घर में बनाइए एक बार और मेरी रेसिपी को याद कीजिए। इफ़ यू लाइक माई रेसिपी, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर न्यू अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय।